कालीन मेले की जबरदस्त सफलता से दिखे सभी निर्यात संतोष। निर्यातकों ने बताया पिछले दो वर्षों की तुलना में इस बार इंडिया कारपेट एक्सपो का प्रदर्शन रहा लाजवाब। निर्यातकों ने सीईपीसी के प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सराहना कर दी मुबारकबाद। जयदेश न्यूज चैनल भदोई से ब्यूरो चीफ आफ्ताब की अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। बता दें कि कालीन मेले का शुक्रवार को अंतिम दिन रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर काफी विदेशी आयातक दिखे। हालांकि दोपहर के बाद सभी निर्यातक अपने स्टॉलों पर समेटने में लगे हुए थे। शाम तक सभी निर्यातक अपने स्टॉलों पर सजे कालीनों को लपेटने पर वापस होने लगे। कालीन मेला कुल मिलाकर जबरदस्त सफल रहा। इस अवसर पर कालीन मेले में स्टॉल लगाए भदोई कारपेट्स के प्रबंधक पंकज बर्नवाल ने बताया कि भदोई का यह कालीन मेला काफी सफल रहा। मेले में जो भी कस्टमर आए हुए थे वो काफी अच्छे व्यापार करने वाले थे। सभी ने पूछताछ की, उनके द्वारा व्यापार करने की इच्छा जताई गई। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये फेयर ठीक रहा। भदोई का कालीन मेला भदोई के निर्यातकों के लिए तो काफी अच्छा और सुविधाजनक है। सुपर कारपेट एक्सपोर्ट के प्रबंधक मकबूल अम्बुम्मद अंसारी ने कहा कि भदोई में ये तीसरी बसर कालीन मेला लगा। हर वर्ष से बेहतर इस वर्ष बहुत अच्छा रहा। कहा विदेशी आयातक भी आए, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा उनकी संख्या कम रही। उन्होंने कहा कि कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कालीन मेले के लिए और भी बेहतर इंतजाम करने की आवश्यकता है। इसके लिए सुझाव मांगे गए थे। इस सुझाव को हमने सीईपीसी को लिख कर दिया है। भदोई में कालीन मेला लगा, इसके लिए सीईपीसी के सदस्यों को बधाई। एक्सीलेंट कालीन कंपनी के पार्टनर राजीव गुप्ता ने कहा, हमारे हिसाब से कालीन मेला बहुत सफल रहा। बायर आए और उन्होंने पूछताछ की, व्यापार भी हुआ। कालीन निर्यातक संवर्धन परिषद के सभी प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने मेले की सफलता के लिए बड़ी मेहनत की। इसके लिए सीपीसी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। फराज क्रिएशन के प्रबंधक शाहकार हुसैन उर्फ शिबू ने कहा कि हम लोगों के लिए तो भदोई का कालीन मेला काफी अच्छा है। मेले में कस्टमर आए और व्यापार हुआ। कहा कि भदोई के कालीन मेला अच्छा रहा। मेले में जो भी कस्टमर आए थे वो सीरियस कस्टमर थे। कहा बायरों द्वारा जहां इंक्वायरी व सैंपलिंग हुई है वहीं से ऑर्डर भी मिले हैं। कहा भदोई में कालीन मेला लगना बड़े ही गर्व की बात है। स्टार कारपेट के प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अंसारी ने कहा कि भदोई का फेयर अच्छा रहा। मेले में जितने भी कस्टमर आए थे वे सभी सीरियस थे। सीपीसी द्वारा किया गया मैनेजमेंट बहुत ही शानदार रहा। मेले के संयोजक वासिफ अंसारी व सभी सदस्यों को मेले की सफलता पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि भदोई में फेयर का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया उसमें सभी निर्यातक खुश हैं। कहा पिछले दो वर्ष की तुलना में ये फेयर काफी अच्छा रहा। मेले में जो कस्टमर आए उनके द्वारा व्यापार अच्छा किया गया। बाहर आए थे मगर उतना बाहर नहीं थे। बाहर आए थे, अपना कोटेशन लेके गए हैं। अच्छा, आपके स्टॉल पे बाहर आए थे? हाँ हाँ आए थे। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स मिला? अभी रिस्पॉन्स क्या यह है कि वो देख करके गए हैं, अपने यहाँ जाएंगे। जी, इंक्वायरी हुई एंड सैंपलिंग? अभी इंक्वायरी हुई। अच्छा, इंक्वायरी हुई। तो ये जो फेयर लग रहा है, जो सीपीसी के माध्यम से जो संयोजक है वो आसिफ बाबू, उनका क्या रोल रहा है? उन लोगों का मैनेजमेंट कैसा रहा सर? ठीक ही है। मैनेजमेंट उन लोगों का भी ठीक है। भदोई में ये फेयर लग रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है? भदोई में है, अच्छा है, ठीक है, आसानी है। आसानी है। कौन सुना सर? बढ़िया था। बायर साइंस साथ में उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आए, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के सीपीसी आयोजक भी काफ़ी बढ़िया इंतजाम किया है। आपके स्टॉल पे क्या रिस्पॉन्स था? बढ़िया था, तीनों दिन काफ़ी अच्छे थे। सीपीसी का मैनेजमेंट कैसा रहा सर? मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, इस बार का सबसे बढ़िया है। जो संयोजक सीपीसी के जो वासिफ अंसारी साहब हैं, काफ़ी बढ़िया इंतजाम किया है उन्होंने, आगे और बढ़िया करेंगे। थैंक यू। देखिए, अरे इस बार जो फेयर है इस बार हमारे हिसाब से बेहतर गया। विगत दो वर्षों से ज़्यादा अच्छा रहा आपकी मतलब? हम समझते हैं कि जब से मैं इंडिया में फेयर लगा रहा हूँ तो हर बार की अपेक्षा इस बार हमको पर्सनली अपनी बता रहा हूँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। आपके स्टॉल पे बायर वगैरह आए? जी, उनके प्रतिनिधि भी आए। आए, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? कितना जैसे कि सैम्पलिंग एंड इंक्वायरी? बहुत अच्छी इंक्वायरी हुई है। और इंक्वायरी ही नहीं, उन लोगों ने आश्वस्त किया कि अगर मैं कह रहा हूँ तो आपको ऑर्डर मिलना है और मैं दूंगा ऑर्डर, इस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात किया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा काम होना चाहिए। सर, सीपीसी का मैनेजमेंट कैसा रहा? सीपीसी का मैनेजमेंट बहुत ही हमको अच्छा लगा।
स्पेशली इस बार जो पानी और चाय की व्यवस्था थी वो सुपर था, क्योंकि डोर टू डोर जाके लोग सर्विस दे रहे थे। सर जो इस मतलब हम देख रहे हैं गैलरी में जो स्टॉल लगाए हैं उससे और जैसे खाना लग रहा है, खूबसूरती बढ़ गई क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार सारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी लग रही है। अच्छा, इसके बाद सरकार से क्या आप मुहैया कराना चाहते हैं जो आपको कमी हो, जैसे ट्रैफिक नहीं मिल रहा था, इंसेंटिव ट्रैफिक जैसे? देखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग का इंसेंटिव बढ़ना चाहिए जी। मटेरियल कॉस्ट हम लोग का जिससे डाउन हो, कि हम लोग जो मशीन में चल रहा है उसके कंपेरिजन में अपने कॉस्ट को गिरा सके और अच्छा ऑफर जो है वो बाहर के लिए हम लोग दे सके। जैसा कि आपने कहा सर, सीपीसी आपकी बहुत अच्छा सुझाव दिया है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आदर लोग कुछ कह रहे हैं कि सीपीसी का मेला जो है हमारे लिए, बहुत सारे लोगों ने कहा फ्लॉप जा रहा है, फ्लॉप जा रहा है, क्या आपके निगम का अच्छा है? जैसा जो एक्सपीरियंस किया है वैसा वो बताएगा। हम कह रहे हैं, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जी जी, जो कस्टमर आए थे वो बहुत सीरियस कस्टमर थे। फर्स्ट डे आके उन लोगों ने हमसे क्वेरी किया, गए कल जो है थर्ड डे था, कल उन लोगों ने आके तुरंत अपने सिलेक्शंस को बनाया और कुछ पीस बाय हैंड भी ले गए हैं। और उन्होंने कहा कि हम पहुँचते ही आपको ऑर्डर भेज देंगे सब कुछ। एक कस्टमर की बात नहीं है, हमारे पास तीन कस्टमर ऐसे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ओवरऑल सीपीसी के जो है सदस्यों का मैनेजमेंट लाजवाब रहा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। क्या रिस्पॉन्स है? पहली मर्तबे से ही हम लगा रहे हैं स्टॉल और हर मर्तबे के हिसाब से इस बार का ठीक है, फेयर अच्छा है। कस्टमर आए हैं अपने इंक्वायरी को चेक कर रहे हैं जिसको जो चाहिए, और हमारे के यहाँ भी विजिट हुए हैं कस्टमरों के, लोगों ने प्रोडक्ट को पसंद किया है, सैंपलिंग के लिए दिया है कि ऑर्डर आप इसको सैंपल बना के दीजिए। सीपीसी के बारे में क्या? सीपीसी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट जिस हिसाब से किया है हर बार के हिसाब से उनका इस बार अच्छा ही है, और ऑर्गेनाइजरों ने काफ़ी मेहनत किया है, और कुल मिला जुला के फेयर को जो सक्सेस करने की उनकी कोशिश थी उस हिसाब में वो सफल हुए। मुबारकबाद दे रहे हैं मैं उन लोगों को, सारे टीम के मेंबरों को और सीपीसी वालों को, कुआ मेंबर को, और विशेष तौर पर इस फेयर के ऑर्गेनाइजर और संचालक वासिफ भाई को मैं हार्दिक बधाई दूंगा कि उन्होंने उसको सफल करने में बेहतरीन योगदान दिया। अच्छा है, हर साल जो है फेयर में और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को। अच्छा फेयर है, बढ़िया है। आपके स्टॉल पे जैसे जो बाहर आए हैं उनके प्रतिनिधि आए, उनसे क्या रिस्पॉन्स मिला सर? अच्छा है, सब कुछ ठीक है। मार्केट पिछले 4-5 महीनों से थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट पिकअप कर रहा है, तो अच्छा है। आई एम वेरी होपफुल। सर सरकार से क्या अपेक्षाएँ आपकी? सरकार से अच्छाएँ, सरकार ठीक कर रही है, सब बढ़िया है, सब अच्छा जो है। पूर्व में ड्राबैक इंसेंटिव वगैरह मिलता रहा, जो अब जो है ना के बराबर मिल रहा है उनसे। देखिए सरकार कुछ भी सहयोग कर देगी तो इंडस्ट्री के हित में जाएगा, एक्सपोर्टरों का और मन बढ़ेगा कि और बढ़े से अच्छे से काम करें। तो अभी कोई सरकार से कुछ मिल तो नहीं रहा है, अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका फर्क तो पड़ेगा। और हाल मिला के भदोही में जो ये आयोजन किया जा रहा है फेयर का, तो ये भदोही वालों के लिए गर्व की बात होगी? बहुत गर्व की बात है भदोही वालों के लिए, और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी निर्यातक अगर दिल्ली छोड़ के, बनारस छोड़ के भदोही तक आ रहा है, तो यहाँ पे सबकी फैक्ट्रियाँ यहीं पर हैं, तो लोगों के यहाँ फैक्ट्री विजिट आराम से हो जा रहा है, तो हम लोग पास ज़्यादा अवसर है काम करने का। थैंक यू सर।